सुप्रभात कक्षा पांचवी। आज हम हिंदी की किताब से पाठ 10 पीलू अक्लमंद वाला पाठ पढ़ेंगे। तो आज का शीर्षक है पीलू अक्लमंद। इसके पढ़ने से पहले कुछ श्रुति और शब्दार्थ दिए गए हैं, इसका हम अध्ययन करेंगे। इसके बाद आपको हम इसकी कहानी बताएंगे। तो देखिए श्रुति देखिए अक्लमंद पूर्वज बदबू खानदान बबूला एकल। अब इसके बाद क्या है शब्दार्थ। शब्दार्थ में घमंड अहंकार हल्ला प्रार्थना थरथराहट पाखना एकत्र इकट्ठा होना प्रशंसा तारीफ रोकदा कड़कदा आवाज। ये हुआ आपका श्रुतिलेख और शब्दार्थ। अब हम आपको जो शीर्षक दिया है पीलू अक्लमंद, इसकी कहानी आपको बताने जा रहे हैं। आप सभी जानते हो कि जो जंगल का राजा होता है वो कौन होता है शेर। तो जंगल के राजा शेर और जंगल में रहने वाले छोटे बड़े सभी जानवरों के बारे में इस पाठ में हम आपको बताएंगे। तो एक जंगल था, उस जंगल का राजा था शेर और उसकी प्रजा जो छोटे मोटे जानवर थे, छोटे बड़े सभी जानवर उस जंगल में रहते थे। एक दिन क्या हुआ कि शेर आया और ऊंची पहाड़ी पर चढ़कर जोर जोर से दहाड़ने लगा। उसकी जो दहाड़ थी पूरे जंगल में गूंजने लगी। उसकी दहाड़ की गूंज से सारे जानवर जो थे वो डर गए, थर थर कांपने लगे। उन्हें लगने लगा कि क्यों इतनी जोर से हमें दहाड़ कर बुलाया जा रहा है। वो डर गए, सहम गए और जल्दी जल्दी उस पहाड़ी पर पहुंचने लगे। आधा घंटे के अंदर सभी के सभी जानवर वहां पर पहुंच गए और राजा अपने घमंड में चूर जोर जोर से चल रहा था और ऊंची पहाड़ी पर घूम रहा था। सारे जानवर जाकर बैठ गए। अब सोचने लगे कि हम लोगों से ऐसा क्या अपराध हुआ है जो इतने जोर से दहाड़ कर राजा ने आज हमें यहाँ पर बुलाया है। जब सब बैठ गए तब राजा ने जोर से उन्हें डांटा और बोला कि क्या तुम लोगों को इतनी भी अक्ल नहीं है कि महाराज को प्रणाम किया जाता है, नमस्कार किया जाता है। ये तुम लोगों ने ऐसी गलती की, दोबारा ऐसी गलती मत करना। तो सारे जानवरों ने एक साथ कहा जी महाराज, द्वारा हमने से कोई भी ऐसी गलती नहीं करेगा। इसके बाद राजा सभी जानवरों से पूछने लगा कि किसी को कोई समस्या तो नहीं है। तो एक एक करके सब अपनी समस्या बताने लगे। हाथी ने कहा महाराज यहाँ की जो तालाबों का पानी है वो सूख गया है, इसलिए हमें और जगह जाकर तालाब ढूंढने चाहिए। इसके बाद भालू ने कहा कि निचले वाली जगह पे बहुत गर्मी पड़ रही है, इसलिए हमें ऊंचे पहाड़ी पे स्थान दिया जाए रहने के लिए। हिरण लोगों ने फरियाद की कि महाराज हम मनुष्य शिकारियों से बहुत ज्यादा परेशान हो गए, आप हमारे खून से रक्षा कीजिए। तो शेर ने सबकी एक एक बात को सुनी और बोला मेरा कर्तव्य है अपने प्रजा का पालन पोषण करना, तुम लोग चिंता मत करो, मैं तुम लोगों के लिए कोई ना कोई उपाय सोचता हूँ, अब तुम लोग जा सकते हो। सारे जानवर वहां से चले। दूसरे दिन ठीक 2 बजे सारे जानवर वहां पर एकत्रित हुए और शेर वहां पर आया और जोर से जंभाई लिया और हंसने लगा जोर जोर से। तो सारे जानवर आपस में थोड़ी थोड़ी बातें करने लगे धीरे धीरे। तो शेर ने जोर से चिल्लाया बोला खामोश, किसी के मुंह से एक भी आवाज नहीं निकलनी चाहिए। एक ही क्षण में सन्नाटा छा गया, सारे जानवर चुप होकर बैठ गए। तो पास में ही भालू बैठा हुआ था। तो शेर ने बोला भालू से
ये बताओ मुझे कि क्या मेरे मुंह से दुर्गंध आ रही है। अब भालू की हालत खराब हो गई, डर गया, सहम गया, कांपने लगा, सोचा मैं क्या इनको उत्तर दूं। उसने मन में थोड़ा सा सोच विचार किया और इसके बाद वो बोला, महाराज आप तो महाराज हो, आपके मुंह से बदबू कैसे आ सकती है। तो शेर ने बहुत जोर से गुस्सा किया और बोला, चापलूस झूठ बोलते हो तुम। और उसने उसे अपने पंजे से पकड़ा और नीचे पटक दिया और उसे बांध कर खा गया। सारे के सारे जानवर डर गए, उस दृश्य को देखकर घबरा गए कि कैसा हमारा राजा है, हमारे साथ इस प्रकार कर रहा है करके। जब उसने अपना खा लिया और पंजा उन्हें साफ कर लिया तो बाकी प्रजा को बोलता है जानवरों से, अब तुम लोग जा सकते हो, सभा समाप्त। अब सारे के सारे जानवर वापस अपने घर चले गए। दूसरे दिन ठीक उसी समय सारे जानवर वहां पर पहुंचे। राजा फिर उसी प्रकार से आया, जोर से जम्भाई लेने लगा। अब सबके सब डरे हुए थे। अब पास में कौन बैठा था? हिरण। हिरण से पूछता है, तुम बताओ मेरे मुंह से बदबू आ रही है कि खुशबू। अब हिरण सोचने लगा मन में कि कल बालू ने तो कहा था कि बदबू आ रही है, खुशबू आ रही है, तब तो इसने उसको मार डाला था, तो मैं अपने आप को बचाने के लिए बोल देता हूँ कि आपके मुंह से खुशबू आ रही है। तो हिरण ने कह दिया कि महाराज आपके मुंह से तो बदबू आ रही है। जब उसने कहा कि बदबू आ रही है तो उसने क्या किया, शेर ने अपने पंजे को पकड़ लिया और उसके गले को पकड़ा और दबा दिया और उसे खा गया। जब उसका पेट भर गया तब वो अपना वो पंजा साफ करके जानवरों से कहने लगा, अब तुम जा सकते हो। सभा समाप्त हो गई। अब सारे के सारे जानवर उठकर चले गए और आपस में सब चर्चा कर रहे थे कि ये जो हमारे राजा हैं, शेर है, इनके बारे में कुछ समझ नहीं आता है, इनको क्या सनक चढ़ गई है, इन्हें क्या चीजें अच्छी लगती है, ऐसे में तो हम सबको मार डालेंगे। फिर जब उसका कुछ निष्कर्ष नहीं निकला तो सब अपने अपने घर सोने के लिए चले गए। तीसरे दिन सुबह सब फिर उसी प्रकार से एकत्रित हुए वहां पर। फिर उसने ऐसे जम्भाई ली जोर से और पास में खरगोश बैठा हुआ था। उसने खरगोश को बुलाया, इधर आओ। छोटा सा बेचारा खरगोश डर गया, सहम गया, हाथ पैर कांपने लगे, लड़खड़ाने लगे। वो लड़खड़ाता हुआ उनके पास आकर खड़ा हो गया। तो पूछता है, तुम्हारा क्या नाम है? तो उसने बोला, मेरा नाम है तीनू महाराज। तो बोलते हैं, तीनू महाराज। ऐसा कहकर जोर जोर से शेर हंसने लग गया। जब शेर हंसने लगा तो जितने वहां पे जानवर बैठे थे वो भी हंसने लगे। तो उसी बीच में क्या हुआ, खरगोश को सोचने का समय मिल गया। आपको मालूम है खरगोश को बहुत बुद्धिमान माना जाता है। तो सोचने लग गया, उसको अपने दादा के घटना याद आ गई, कुएं वाली घटना जिसमें उसने शेर को कुएं में गिरा दिया था और उसकी वजह से गांव जो प्रजा थी, जो जानवर थे, सुख का जीवन जीने लगे थे। उसने सोचा, अब मुझे बुद्धि से काम लेना चाहिए, मुझे डरना नहीं चाहिए। इतने में शेर ने उसे दूसरा प्रश्न किया, तुम किसके बेटे हो? तो उसने क्या बोला, महाराज बेटे नहीं, आप खानदान पूछिए। जब से वो कुएं वाली घटना हुई है ना, तो हम लोग बेटा नहीं बताते किसी को, हम लोग अपना खानदान बताते हैं। तो अब शेर को वही कथा याद आ गई जो उनके पूर्वजों की बुद्धिमता की जो घटना थी, वो वाली घटना याद आ गई। तो मन में सोचने लगा, अगर मैं शेर को कुछ और बोलता हूँ तो ये सबके सामने हमारी पोल खोल देगा और पोल खोल देगा, सबके बात पता चल जाएगी
इसलिए उसने क्या किया, बोला अब सभा समाप्त हुई, अब तुम लोग मत आना, जब तक तुम लोगों को मैं बुलाऊ नहीं तब तक मत आना, अब कोई सभा नहीं होगी, जब मुझे कोई सभा लेनी होगी तो मैं जब संदेश भेजूंगा तब तुम सब लोग आना, अब जा सकते हो। अब सारे के सारे जानवर जल्दी 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 उतर कर अपने अपने घर चले गए। रात में सब लोग खरगोश के बिल के पास एकत्रित हुए और सब लोगों ने खरगोश की बहुत प्रशंसा की, बोले तुम्हारी बुद्धिमानी से क्या हुआ आज हम सबकी रक्षा हो गई, शेर का तो पता नहीं वो हम लोगों के साथ कैसा करता, खूब प्रशंसा की। और शेर ने जब से खरगोश ने ऐसा बोला तब से शेर ने द्वारा कभी सभा बुलाने की हिम्मत भी नहीं की। तो प्यारे बच्चों, इस पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है, इस पाठ से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमारे सामने कितनी भी मुसीबत क्यों ना हो, बड़ी से बड़ी परेशानी क्यों ना हो, हमें बुद्धि से काम लेना चाहिए, घबराना नहीं चाहिए, डट कर उसका सामना करना चाहिए। अगर हम घबराएंगे तो हमारा काम बिगड़ जाएगा, और हम बुद्धि से काम लेंगे तो हम कितनी भी परेशानी क्यों ना हो उसका हम सामना कर पाएंगे। जिस प्रकार से आपने इस पाठ में देखा कि खरगोश कितना छोटा सा जानवर है और जो जंगल है ये शेर है वो जंगल का राजा है, उसे हर एक लोग डरते हैं कांपते हैं, लेकिन उसने साहस से काम लिया, बुद्धि से काम लिया और उस पर अपनी विजय उसने प्राप्त की। धन्यवाद।